मूवी की शुरुआत एक आदमी को दिखाने से होती है जो कि चर्च में पेंटिंग कर रहा था आगे वो हमें बताता है कि वो पिछले काफी समय से पेंटिंग कर रहा है लेकिन अभी तक उसे एक भी पैसे नहीं मिले इसलिए वो चर्च के फादर से पैसे मांगने के लिए जाता है लेकिन उसे वहां पहुंचकर पता चलता है कि फादर प्लेग नाम की बीमारी के कारण मर गया है और ये जानकर वो काफी निराश हो जाता है क्यूँकी अब उसके पैसे उसे नहीं मिलेंगे तभी उसे वहाँ पर फादर की ड्रेस दिखती है जिसे पहन वो फादर बनने का डिसाइड करता है क्यूँकी फादर के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती चाहे वो पैसा हो या फिर इज्जत आगे हम लोरेंजो को देखते हैं जो गर्भिनो नाम के गुंडे से डर कर भाग रहा था और वो आखिरकार भागने में कामयाब भी हो जाता है फिर गर्भीनों अपने साथियों को किसी भी हालत में लोरेंजो को पकड़ने को कहता है जिसके बाद लोरेंजो के दोस्त उसे घोड़ा देकर सिटी छोड़कर जाने को कहते हैं और लोरेंजो भी ऐसा ही करता है अगले सीन में हम पेम्पिनिया नाम की लड़की को रोते हुए देखते हैं क्योंकि हाल ही में प्लेग बीमारी के कारण उसके माता पिता गुजर गए थे तभी गर्भीनों आकर पेम्पिनिया को सहानुभूति देता है और पूछता है की अब वो क्या करेगी तो इस पर पेम्पिनिया उसे बताती है की रशिया का राजा जर्जस्की जल्द ही यहाँ पर आने वाला है और वो उसके साथ शादी करने वाली है सुनकर गर्बीन पेम्पिनिया को बताता है की तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत ज्यादा उधारी ली थी और अब उनके मरने के बाद तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी हो गई है इसलिए अगर तुम इस घर को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी दूसरी तरफ हम लोरेंजो को भागते हुए देखते हैं क्योंकि उसके पीछे गर्बीनों के लोग पड़े हुए थे इसी दौरान उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि गूंगा बहरा था वो आदमी लोरेंजो को बताता है की वो पास में ही एक गार्डनर का काम करता था पर अब उसने वहाँ पर काम करना छोड़ दिया सुनकर लोरेंजो सोचता है की अगर वो गूंगा बहरा बनकर गार्डनर बनने के लिए वहाँ जाएगा तो उसे काम मिल सकती है जिससे वो गर्बीनों के आदमी से भी बचा रहेगा फिर वो एक पेड़ में चढ़ जाता है और गर्मीनों के आदमी आगे निकल जाते हैं लेकिन जल्द ही पेड़ की टहनी टूट जाती है और लोरेंजो नीचे गिर बेहोश हो जाता है तभी उसके पास कुछ नन आती है और उसे चर्च में लेकर जाती है और ये वही जगह थी जहाँ पर इन्हें गार्डनर की जरूरत थी आगे दो नन लोरेंजो को बेहोश दे उसे छूने लगती है इस वक्त लोरेंजो को भी होश आ गया था लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं करता इसके बाद नन की हेड वहाँ पर आती है तो नन उन्हें कहती है कि ये आदमी गूंगा बहरा है और फिर वो लोग उसे गार्डनर के काम पर रख लेते हैं आगे जब लोरेंजो नहा रहा था तभी वहाँ पर दो नन आकर उसे ज्वाइन करती है ये देखकर हम समझ पाते हैं कि इन्हें यहाँ पर गुंगा बहरा गार्डेनर ही क्यों चाहिए था ताकि अगर वो लोग उसके साथ कुछ भी करेंगे तो गुंगा होने के कारण वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बता पाएगा आगे हम को उसके फ्रेंड और उनके बॉयफ्रेंड के साथ एक चर्च में देखते है जहाँ पर पेम्पिनिया उन्हें बताती है की सिटी में उसका एक दूसरा घर है जहाँ पर वो राजा जर्जेस्की के साथ शादी करेगी और वो उन सभी को वहाँ पर आने को कहती है तभी गर्भिनो वहाँ आकर पेम्पिनिया ऐसी पूछता है की तुम लोग क्या बात कर रही हो इस पर पेम्पिनिया झूठ कहती है की वो लोग सिर्फ प्रेयर कर रहे थे अब क्योंकि जर्जस्की के यहाँ आने में थोड़ा समय था और पेम्पिनिया भी गर्भीनों के साथ नहीं रहना चाहती थी इसलिए वो चर्च में रहने का प्लान बनाती है और ये वही चर्च था जिसमे लोरेंजो काम करता है इसके बाद पेम्पिनिया के बाकी के दोस्त भी उसके घर आरोप जाने के लिए निकलते हैं आगे चर्च में जब दो नन पेम्पिनिया को तैयार कर रही थी तभी वो लोरेंजो को देखती है जिसके बारे में नन मुस्कुराते हुए कहती है की वो यहाँ पर गार्डनर का काम करता है और गूंगा बहरा है थोड़ी देर बाद जब एक नन लोरेंजो को अकेले जंगल के अंदर लेकर जा रही थी तभी पेम्पिनिया उन्हें देख लेती है और समझ जाती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है साथ ही में यहाँ पर ये भी देखते हैं कि पेम्पिनिया ये सब देखकर बहुत जेलस फील कर रही है इधर महल में राजा जजेस की भी पहुंच जाता है पर वहाँ पर गर्बिनो उसे बताता है कि अब पे उसके साथ शादी करने वाली है ये जानकर जजेस की गुस्से में वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी बाहर उसे एक आदमी बताता है की पेम्पिनिया सिटी के दूसरे घर में उसका इंतजार कर रही है और फिर जजेस की अपने साथियों के साथ वहाँ जाने के लिए निकलता है दूसरी तरफ जब लोरेंजो अपने कमरे में था तभी दो नन उसके लिए खाना लेकर आती है दरअसल उन्हें पता चल गया था की बाकी की नन लोरेंजो के साथ क्या करती है और अब वो लोग भी उसके साथ वही करना चाहते थे और लोरेंजो भी इसके लिए मान जाता है अगले दिन जब पेम्पिनिया दो नन के साथ के साथ लोरेंजो लिए गर्म पानी लेकर जा रही थी और वो गर्म पानी लोरेंजो के सर पर डाल देती है जिसे देख हम समझ पाते है की वो लोरेंजो को धीरे धीरे पसंद करने लगी है इस तरफ जब जर्जेकी पेम्पिनिया से मिलने के लिए जा रहा था तभी गर्बिनो अपने आदमियों के साथ उस पर अटैक कर देता है जिसमें जर्जेसकी के सारे साथी मारे जाते हैं लेकिन जर्जेस्टी जैसे तैसे करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है आगे पेम्पिनिया के दिल में लोरेंजो के लिए फीलिंग्स बढ़ती ही जा रही थी और साथ ही में वो उसे एक दिन गाना गाते हुए सुन लेती है जिससे वो समझ जाती है की वो गूंगा बहरा नहीं है फिर एक दिन वो अकेले लोरेंजो को खाना देने जाती है उस वक्त उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था इसलिए लॉरेंजो को समझ नहीं आता की ये कौन सी नन है फिर पेम्पिनिया उसके आंखों में पट्टी बांधती है और उसे किस करके वहाँ से चली जाती है और ये बात लॉरेंजो को काफी अच्छी लगती है अब कुछ दिन बाद पेम्पिनिया का वहाँ से जाने का टाइम आता है पर वो जाने से पहले हेड नैन को बताती है की लोरेंजो गुंगा बहरा नहीं है और वो तब से नाटक कर रहा है ऐसा किया अब जब हेड नन को, इसके में पता चलता है, वो लोरेंजो को काम से गुजरती है लोरेंजो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी उसके साथ लेकर जाए और पेम्पिनिया इसके लिए मान जाती है दूसरी तरफ हम जर्जेसकी को देखते हैं और वो झील के अंदर एक लड़की को देखता है फिर वो उससे बात करने लगता है जर्जस्की उसे बताता है कि वो पेम्पिनिया नाम की लड़की से शादी करने जा रहा है वो झूठ बोलती है कि वो ही पेम्पिनिया है अब क्योंकि जयजस्की ने कभी भी पेम्पिनिया को नहीं देखा था इसलिए वो उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है और यहाँ पर जयजी को भी वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है इस तरफ लोरेंजो और पेम्पिनिया उसके घर पर पहुँच जाते हैं और जब वो दोनों बात कर रहे थे तब लोरेंजो बताता है की वो उस लड़की ऐसी काफी ज्यादा प्यार करता है जिसने उस दिन उसके आँखों में पट्टी बांधी थी और वो उसी से शादी करेगा इस पर पेम्पिनिया कहती है की तुम उसे कैसे पहचानोगे जबकि तुमने उसका चेहरा भी नहीं देखा है ये सुनकर लोरेंजो कहता है की मैं उसे किसी न किसी तरह ऐसी ढूंढ कर उसी से ही शादी करूंगा आगे पेम्पिनिया कहती है की अगर तुमने किसी और को किस किया तो तुम उसको भूल जाओगे और अगर तुम्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा है तो तुम मुझे किस करके देख सकते हो दरअसल पेम्पिनिया चाहती थी लोरेंजो को पता चले की उसी ने उस दिन उसके आंखों में पट्टी बांधी थी आगे लोरेंजो पेम्पिनिया के करीब आ ही रहा था की तभी गर्बिनो अपने लोगो के साथ वहाँ पर आ जाता है उसे देखकर लोरेंजो उसके साथ लड़ने की बात करता है और लड़ाई शुरू होने पर लोरेंजो गर्बिनो के सामने टिक नहीं पाता लेकिन इससे पहले कि गर्बिनो उसे जान से मारता पेम्पिनिया उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर लोरेंजो को कुछ हुआ तो वो उसके साथ शादी नहीं करेगी सुनकर गर्बीनों लोरेंजो को नहीं मारता और उसे बेसमेंट में बंद कर देता है थोड़ी देर बाद पेम्पिनिया को लगता है की गर्भीनों लोरेंजो को कभी भी मार सकता है इसलिए वो गर्बीनों को अभी शादी करने को कहती है साथ ही में वो उसे ये भी कहती है की शादी के बाद उसे लोरेंजो को छोड़ना होगा इस शर्त को गर्बीनों मान जाता है और अपने दो साथियों को फादर को लाने के लिए भेजता है वही फादर के आने के बाद जब वो पेम्पिनिया से बात कर रहे थे तब पेम्पिनिया फादर को पैसे देकर कहती है कि उसे ये शादी नहीं करनी है इसलिए वो जितना हो सके उतना शादी को डिले करे और फादर भी पैसे लेकर ऐसा करने के लिए मान जाते हैं इधर गर्बीनों के दो आदमी लोरेंजो को जंगल में छोड़ने के लिए जाते हैं यहाँ पर उनका लोरेंजो को मारने का प्लान था पर इससे पहले ही लोरेंजो उन्हें ढेर कर देता है इसके बाद वो राजा जर्सकी को पेम्पिनिया के घर की तरफ जाते हुए देखता है तो वो भी उसी तरफ जाने के लिए निकलता है दूसरी तरफ फादर पेम्पिनिया और गर्बीनों की शादी कराना शुरू कर देते हैं जिस दौरान वो पेम्पिनिया के कहने पर शादी को डिले करने लगते हैं इससे गर्बीनों को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो फादर को तलवार की नोक आरोप जल्दी शादी कराने को कहता है और फादर भी डर के मारे ऐसा ही करने लगते है इसी दौरान जर्जेस्टी भी वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ में गंद देकर गर्बीनों वहाँ ऐसी भागने लगता है में ही वहाँ पर लोरेंजो भी आ जाता है और फिर जर्जेकी और लोरेंजो मिलकर गर्बीनों के सारे लोगों को मार देते हैं आखिर में जर्जेकी गर्नों के साथ अकेले लड़ता है जिसमे गर्बीनो उसके सामने टिक नहीं पाता और उसकी तलवार नीचे गिर जाती है तभी लोरेंजो वहाँ आकर गर्बीनों को उसके साथ लड़ने के लिए कहता है इस पर जजेसकी लोरेंजो को कहता है की अगर तुम उसे नहीं मार पाए तो मैं मार दूंगा और फिर गर्वीनों लोरेंजो के साथ कुएं पर खड़ा होकर लड़ने लगता है और इस लड़ाई के दौरान ही गर्बीनों कुएं में गिर जाता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है ये सब होने के बाद पेम्पिनिया वहां आकर जर्जस् को कहती है कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो लोरेंजो से प्यार करती है फिर जब जजेस की पेम्पिनिया का चेहरा देखता है तब वो उसे कहता है कि तुम वो पेम्पिनिया नहीं हो जिसे मैं झील में मिला था और मैं उसी पेम्पिनिय से शादी करना चाहता हूँ इसी दौरान वो झील वाली लड़की पीछे से वहाँ पर आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि पेम्पिनिया की दोस्त मलिशा है मलिशिया को देखकर जजेस की बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसी से प्यार करता था फिर पेम्पिनिया लोरेंजो के पास जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है पर लोरेंजो कहता है कि मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसने उस दिन मेरी आंखों में पट्टी बांधा था ये उनकर पेम्पिनिया लोरेंजो को उसे किस करने को कहती है और जैसे लोरेंजो उसे किस करता है वो समझ जाता है की पेम्पिनिया ही वो लड़की है जिसने उस दिन उसके आंखों में पट्टी बांधी थी और इसी के साथ हमारी मूवी यही पर एंड हो जाती है